हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल के एंड के स्मार्ट स्टडी अब में आपका स्वागत है। और मैं आज फिर से आपके सामने एक नई CHO की वैकेंसी लेके आया हूँ। और दोस्तों, आपको बता सकता हूँ कि ये जो CHO की वैकेंसी आई है वो 2020-21 के लिए है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc और GNM मांगा गया है। और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो रहेगी 800 पोस्ट। दोस्तों, इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 21/9/2020 से 24/9/2020 तक। तो आप इसमें जल्दी अप्लाई करें। और दोस्तों, मैं इसके नोटिफिकेशन पे ले जा रहा हूँ। और नोटिफिकेशन पे ले जाने से पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप देखते हो कि हम ये इसकी ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। और ऑफिशियल साइट में आप देख सकते हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 2020-21 में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेतु और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 6 माह सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण 17 जुलाई 2020 के लिए 21/9/2020 से दिनांक 24/9/2020 तक रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये विज्ञापन की सूचना है और ये विज्ञापन है और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप हम इसके विज्ञापन पे जा रहे हैं, क्लिक करेंगे हम, ये आप डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड कर लेते हैं इसको हम। और इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हो। हम ये नोटिफिकेशन आया था 21/9/2020 को। और ये जो वैकेंसी आई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। और इसमें देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस पाठ्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी में प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से ऐसे इच्छुक एवं उत्साही अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाता है जो समुदाय को अपने घर के नज़दीक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस प्रशिक्षण जुलाई 2020 में आवेदन करना चाहते हैं। तो इसमें आवेदन करने वाले, यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने का एक अंग है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित उप स्वास्थ्य केंद्रों में समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी जिनमें बीमारियों से बचाव, हेल्थ प्रमोशन के कदम भी शामिल है। वे अभ्यर्थी जो उप पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ होकर समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो आपको CHO की वैकेंसी है और आपको इसमें चयनित होते हैं तो आप इसमें मैदानी कार्यकर्ता, जैसे कि आप इसमें रहेंगे मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर CHO, और जो ANM है, MPW है, और मितानी की टीम को आप नेतृत्व भी करेंगे, आप इनके सुपरवाइजर भी रहेंगे। और चिन्हित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उप स्वास्थ्य केंद्रों में काउंसलिंग के माध्यम से संविदा आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ नियमानुसार आपकी नियुक्ति की जाएगी। अगर आप चयनित होते हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, चयनित उम्मीदवारों के लिए मानदेय एवं सुविधाएं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट चयनित हो जाएंगे उनको क्या रहेगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान 10 प्रति माह के दर से कुल 6 माह है तो मानदेय रहेंगे, भोजन खर्च के लिए रहेगा। अगर आप चयनित हो जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 6 माह तक पैसे मिलेंगे जिसमें अपने रहने का और खाने का खर्चा रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की फीस, फील्ड में प्रैक्टिस एंड प्रशिक्षण संबंधी खर्च दिया जाएगा। मतलब कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो छत्तीसगढ़ है, फील्ड में प्रैक्टिस रहेगा और प्रशिक्षण संबंधी जो खर्च रहेगा वो आपका NHM छत्तीसगढ़ उठाएगा। उसके बाद 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में संविदा कार्य करने के दौरान आपको 16,500 रुपये वेतन, एक मुश्त एवं साथ में कार्य प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि
प्रति माह 15,000 रुपये दी जाएगी। तो दोस्तों आपको जो आप इसमें पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेते हैं और आप जब इसके पदस्थ हो जाते हैं तो आपको 16,500 आपकी एकमुश्त राशि रहेगी और 15,000 जो रहेंगे आपके कार्य पर डिपेंड करेगा। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपको 15,000 मिलेंगे। अब इसमें जो योग्यता है वो क्या क्या है, अनिवार्य योग्यताओं में आप देख सकते हो कि जो अनिवार्य योग्यता में अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें उन्हें क्लियर लिख दिया है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट है केवल वही फॉर्म डाल सकते हैं। विज्ञप्ति जिलेवार पदों हेतु संबंधित जिले के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी को पात्रता होगी। दोस्तों जिस जिले का कैंडिडेट है उसे सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जिले के स्थानीय निवासी नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित संभाग के अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को आरक्षण के आधार पर चयनित किया जाएगा। इन केस अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जिले में नहीं मिलते हैं तो उस संभाग के दूसरे कैंडिडेट को लिया जाएगा। उसके बाद आगे और देख सकते हैं, अभ्यर्थी को क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा में दक्षता का और ज्ञान होना चाहिए, मतलब वहाँ की जो उनकी लैंग्वेज आना चाहिए उनको और वहाँ के अच्छे से भाषा आना चाहिए उनके पास। उसके बाद हम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग कोर्स BSc नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक BSc हो नर्सिंग या GNM उत्तीर्ण हो। तो दोस्तों इसमें BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और GNM वालों को लिया जा रहा है। इसके साथ ही आप देख सकते हो कि अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद आयु की दिनांक 1/1/2020 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति या जनजाति के अधिकारी अधिकतम आयु 40 वर्ष को लिया जाएगा। उसके बाद आप इसमें और देख सकते हैं कि नियम एवं शर्तें, इसके नियम एवं शर्तें क्या क्या रहेगी। प्रशिक्षण में प्रवेश के से पूर्व अभ्यर्थी को अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा, मतलब जब एडमिशन लेंगे तो आपको एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा, मतलब अनुबंध बनवाना पड़ेगा। उपरोक्त पाठ्यक्रम पूर्ण कर परीक्षा में उत्तीर्ण होने उपरांत उन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर चिन्हित उप स्वास्थ्य केंद्र पर कम से कम, अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको जहाँ पर दिया जाएगा वहाँ पर कम से कम 3 साल आपको अनिवार्य रूप से ड्यूटी करना रहेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण स्थल चयन करने उपरांत प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं लिए जाने पर इग्नू द्वारा प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शुल्क 15,000 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में जमा किया जाना होगा। आपको यहाँ पे जो 15,000 का ED लगेगा वो आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण करने उपरांत कार्यालय द्वारा पदस्थापना हेतु जारी आदेश के पदस्थापना स्थल परिवर्तन हेतु किसी प्रकार का कोई आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब आपको जब पाठ्यक्रम पूर्ण कर लोगे तो आपको वहाँ पे जो आदेशित किया जाएगा कि आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है तो आपको वहीं पे करना पड़ेगा, इसमें चेंजेस का कोई नहीं रहेगा। फिर देख सकते हैं कि अगर शासकीय संस्थान में सेवारत अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग के दौरान संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहले से ऑलरेडी जॉब में हैं और वो CHO में जाना चाहते हैं तो उनको उनकी संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र, मतलब उनको आपत्ति नहीं है ये लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नीति लागू होगी, जो छत्तीसगढ़ जहाँ पर आरक्षण जो होता है वहीं आरक्षण यहाँ पर लागू होगा। उक्त पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, GNM में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर सामान्य मेरिट सूची से किया जाएगा तथा BSc नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक नर्सिंग को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। दोस्तों इसमें हमने अगर नर्सिंग वाले को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, फिर पोस्ट बेसिक को, फिर GNM को, और BSc और पोस्ट बेसिक में इनमें कोई अंतर नहीं किया जाएगा, दोनों को समान माना जाएगा। सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज की भर्ती जिला स्तर पर की जाएगी, जिसमें आरक्षण का रोस्टर भी जिला स्तर पर का ही लागू होगा। दोस्तों इसमें जो यह वैकेंसी है इसमें जिला स्तर पर पोस्टिंग की जाएगी और जिला स्तर पर ही चयन किया जाएगा, और जो आरक्षण भी बनाया जाएगा वो प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग मेरिट सूची बनाई जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं वर्तमान कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु कौशल परीक्षा एवं काउंसलिंग का आयोजन नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसमें एग्जाम नहीं होगी, डायरेक्ट आपके परसेंटेज बेस पर होगा और उसी के द्वारा होगा आपका, इसमें काउंसलिंग भी नहीं होगी, आपका केवल परसेंटेज के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। आप इसमें देख सकते हैं कि
ये जिला है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट दे रखी है, कौन सी कैटेगरी में कौन सी पोस्ट है और हर ज़िले में अलग अलग कितनी पोस्ट है। देख सकते हैं बालोदा है, बालोदा में 10 पोस्ट है, फिर बालोदा बाजार में 29 पोस्ट है, बलरामपुर में 43 पोस्ट है, बस्तर में 59 पोस्ट है, बेमतरा में 5 पोस्ट है, और ऐसे करके अलग अलग टोटल जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे मिला के टोटल जो पोस्ट हो रही है वो 800 पोस्ट हो रही है। और इसमें आप जनरल की देख सकते हैं कि जनरल की है और ओबीसी की है, एससी की है, एसटी की है, अलग अलग कैंडिडेट की अलग अलग पोस्ट हैं। उसके बाद अगर कोई माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पीठासीन रिट ये भी अगर कोई समस्या आती है तो वो केवल छत्तीसगढ़ न्यायालय रहेगा। अब इसकी आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन 21/9/2020 से। तो दोस्तों इसके जो आवेदन हो रहे हैं वो 21/9/2020 से स्टार्ट हो चुके हैं और ये जो एप्लीकेशन रहेगी वो 24/9/2020 तक, ओनली केवल 4 दिन ने फॉर्म अप्लाई करने के लिए कहा गया है, इसके बाद ही एप्लीकेशन नहीं लेंगे। उसके बाद आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, सभी पात्र मान्य होंगे उन्हें पुनः आवेदन करने के, ऐसे कैंडिडेट जो जिन्होंने पहले आवेदन कर रखा था उनको डबल करने की जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना होगा, आवेदन को किसी प्रकार के दस्तावेज वर्तमान समय अपलोड नहीं करना होगा, चयन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज परीक्षण की इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें आपको किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं लगाना है और ना ही अपलोड करना है, केवल आपको जब चयन हो जाएगा उस समय आपको दस्तावेज का प्रशिक्षण परीक्षण किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरते हुए आवेदन में तथा दस्तावेजों के प्रशिक्षण किसी प्रकार की त्रुटि के लिए उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। आपको आप आवेदन करते समय आपको अपनी पूर्ण जानकारी सही रूप से भरना है। और आप इसमें देख सकते हो कि ये सर्टिफिकेट कोर्स इन जीएनएम के पाठ्यक्रम के 3 वर्षों में कुल प्राप्त अंक, इंटर्नशिप में प्राप्त कुल अंकों को जोड़ा जाएगा और उनका एग्रीगेट निकाला जाएगा। तो टोटल एग्रीगेट जो भी आएगा वो इनका परसेंटेज रहेगा और उसी के बेस पर लिया जाएगा। दोस्तों और आगे देख सकते हैं कि नोट, इसमें नोट दे रखा है उन्हें केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा, मतलब आपको केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा, उधर अदर में ये नहीं लेंगे, मतलब जैसे कि आप फिजिकली या कोई सेंड करते तो उनको नहीं लिया जाएगा। अभ्यर्थियों हेतु दावा आपत्ति मेरिट सूची विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएगी, मेरिट सूची जो रहेगी उनकी वेबसाइट पर वो जारी करेंगे। प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट एवं सीटों को आरक्षणवार संख्या अनुसार सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस पाठ्यक्रम हेतु जिलेवार चयन किया जाएगा, मतलब इसमें जो मेरिट सूची बनेगी वो प्रत्येक जिले की अलग अलग बनेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार कुल पदों का 3 गुना जिलेवार आवेदन की प्रवीणता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा, मतलब प्रत्येक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अभी यहाँ पे उन्हें प्रशिक्षण केंद्र दे रखे हैं और प्रशिक्षण केंद्र के बाद यहाँ पे वर्तमान कोविड सीटों का चयन कैसे किया जाएगा वो दिया है। समान अंक होने की स्थिति में प्राथमिकता अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद आगे और देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपने स्वयं का वैध मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अवश्य जरूर डालें क्योंकि इन्हीं के द्वारा वो आपका एप्लीकेशन नंबर और ये देंगे। तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई जरूर करें और बहुत अच्छी पोस्ट है और CHO की पोस्ट है और इसमें वो एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, जितने छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट है वो ज़रूर अप्लाई करें इसमें। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, है वो इसमें अप्लाई जरूर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपको दिन शुभ हो, थैंक यू।